सजन का आंगन। देखो बहन, हमारे दोनों बेटे हैं पर आज भी घर पर अकेले रहते हैं। अरे उनको पास में बैठा के क्या करना है सब? वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए तो हमारी जिंदगी तो वैसे ही सफल हो जाएगी। अरे उनकी उम्र भी तो बढ़ रही है, आजकल के बच्चे पता नहीं कब गलत समय में चले जाए। पर मुझे अपने दोनों बेटों पर पूरा भरोसा है। ठीक कहा आपने, दोनों बेटे होनहार हैं अपने। प्रिंस तो पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन ही जाएगा, बस मुझे चिंता है रोहित की। वैसे तो बहुत अच्छा कलाकार है रोहित, पर उसने जो लाइन चुनी है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि फिल्म लाइन में ना सफलता जल्दी से नहीं मिलती। अगर कलाकार अच्छा हो तो कामयाबी खुद चढ़कर आ जाती है, पर अपना रोहित तो बहुत बढ़िया कलाकार है और मेहनती भी है। वह अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। दोनों की मंजिल तो दूर नहीं है, पर मुझे उनकी शादी की भी चिंता हो रही है। कैसी लड़की होगी, कैसी लड़की देखूंगी, कैसी लड़की को पसंद करेंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा सब कुछ। अपना रोहित अगर फिल्मों में काम करेगा तो अपने रोहित को ढूंढ लेगा। रही बात प्रिंस की, वो मेरे दिमाग में लड़की है जो सभ्य है, सुंदर है और सुशील है। अच्छा जी, बात यहाँ तक पहुँच गई और मुझे पता भी नहीं है कौन है वो लड़की जो हमारे घर में बहुराने घर के आने वाली है। अभी बहुराने तो कह नहीं सकता, पर मेरे मन में लड़की बसी हुई है, बहुत अच्छी लड़की है। आप उनके परिवार से बात कैसे करो ये समझ नहीं आ रहा। अब पहले ही जाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? ऐसे कौन सा परिवार है जिससे आप बात नहीं कर पाए? मैं पहले नहीं बुझा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे जो दोस्त थे वो सेठ कौशल जी, उनकी बेटी है पूजा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं बात कैसे करूँ, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैं नीला भाभी से जाकर उनके मन की बात जान लेती हूँ, फिर आप सेठ कौशल से बात कर लीजिए। ये ठीक रहेगा, तुम दिन में नीला भाभी से जाकर बात कर लो ना, फिर देखते हैं। मैं दिन में समय नहीं निकाल पाऊंगा, मैं शाम को जाती हूँ नीलावती भाभी से बात करूंगी।